रीवा सांसद ने एक बार फिर हाथों से साफ किया टॉयलेट। जनार्दन मिश्रा ने बिना ग्लव्स की करी दी सफाई। दूषित पानी से बीमार लोगों को देखने पहुंचे थे मऊगंज। आपको बता दें कि रीवा में भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने शौचालय साफ कर एक बार फिर चर्चा में है। बता दें कि ये वीडियो बीते दिवस का है, जहां सांसद देवतलाव विधानसभा के सीतापुर ग्राम पंचायत के डूडा गांव में पहुंचे थे। यहां शौचालय में उन्होंने गंदगी देखी तो भड़क गए और खुद अपने हाथों से ही शौचालय साफ करने लगे। जब सांसद को शौचालय साफ करने के लिए ब्रश और ग्लव्स तक नहीं मिले वे खराब ब्रश और ग्लव्स के ही हाथों से ही सफाई करने लगे। जानकारी के मुताबिक डूडा गाँव में दूषित पानी पीने से 25 लोग बीमार हो गए थे। वे बारी बारी से बीमार लोगों के घर गए। इस दौरान उन्होंने बीमार लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात की, डॉक्टरों से मरीजों की स्थिति का जायजा लिया, साथ ही अच्छे इलाज के लिए दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उनकी नज़र संक्रमित व्यक्ति के घर के शौचालय की गंदगी पर पड़ी, उन्होंने सफाई शुरू कर दी। सांसद जनार्दन मिश्रा का कहना है कि सरकार ने हर घर में शौचालय बनवा दिया, लेकिन उसे साफ रखना लोगों की खुद की जिम्मेदारी है। दूषित शौचालय से गंदगी फैलती है। जब लोग बीमार हों तब उन्हें स्वच्छता का और विशेष ध्यान रखना चाहिए। अक्सर चर्चा में रहने वाले रीवा सांसद मोदी के समर्थक हैं। सरपंच से सांसद बने मिश्रा पहले भी 6 बार टॉयलेट सफाई का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर चुके हैं। इसमें उन्होंने पीएम मोदी को भी टैग किया था। इसी तरह कई बार उनका कचरा कलेक्शन और ऑफिस टेबल साफ करने का वीडियो भी सामने आ चुका है। बता दें कि इसके पूर्व 2022 को भी सांसद ने हाथों से ही शौचालय साफ किया था। 2 साल पूर्व रीवा के खटकरी में एक गर्ल्स स्कूल में पहुंचे थे। मौका था पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन सेवा पखवाड़े का, जहां पर स्कूल में कार्यक्रम तो पौधारोपण का था, लेकिन निरीक्षण के दौरान जनार्दन मिश्रा ने टॉयलेट में गंदगी देखी। इस पर सांसद खुद सफाई में जुट गए थे। फिलहाल इस वीडियो के बाद से सांसद जनार्दन मिश्रा फिर सुर्खियों में है। मऊगंज जिले के सीतापुर गाँव के एक साकेत बस्ती में जो लोग संक्रमित हुए हैं दूषित पानी से, दूषित भोजन से, तो वहां उन परिवारों को देखने मिलने गया था। तो वहां देखा तो गंदगी बहुत थी, शौचालयों का कुछ लोग उपयोग कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। जिन शौचालयों का उपयोग हो रहा था वो बहुत गंदे थे, तो उसमें एक शौचालय बहुत ही गंदा दिखा। तो फिर हमने कहा कि भाई इसको क्यों, तो कहा पानी तो डाल देते, तो हमने कहा पानी नहीं डालना चाहिए, इसको तो साफ करना चाहिए, और बिना साफ किए इसमें तो आप बीमार हो गए। तो वो लोग सब हंसने लगे, कैसे हो, क्या हो। तो फिर हमने कहा कि इस तरह साफ करना चाहिए, इस तरह साफ करिए, तो उसको हमने साफ कर दिया पूरे शौचालय को। यही है और कुछ उसमें है नहीं।